अध्याय 8 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक का प्रावधान किया गया है। इसे भारत का अधिकार पत्र अर्थात मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंग्लैंड के सम्राट जॉन द्वारा 1215 में जारी मैग्ना कार्टा प्रथम लिखित दस्तावेज था। इसी को मूल अधिकारों का जन्मदाता माना जाता है। इंग्लैंड में मूल अधिकार बिल ऑफ राइट्स द्वारा जनता को मूल अधिकार प्राप्त हैं। फ्रांस में एक लंबे संघर्ष के पश्चात 1789 में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा फ्रांस की जनता को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किया गया था। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था, किंतु 10वें संविधान संशोधन द्वारा 1791 में अधिकार पत्र जोड़ा गया। अमेरिका और फ्रांस में प्राकृतिक अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। किसी भी नागरिक के पूर्ण विकास, जिसमें भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए मूल अधिकार आवश्यक हैं। भारत में मूल अधिकारों की मांग तथा संवैधानिक स्थिति। श्रीमती एनी बेसेंट के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 तथा मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारतीयों के लिए मूल अधिकार की मांग की गई थी। साइमन कमीशन 1927 तथा संयुक्त संसदीय समिति 1934 के मूल अधिकार की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, जिसमें 1935 के भारत सरकार अधिनियम में मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया गया था। संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए एक समिति का गठन किया। कुछ समय पश्चात जेवी कृपलानी की अध्यक्षता में एक उपसमिति का गठन किया गया। इन्हीं समिति और उपसमिति की सिफारिशों ने संविधान के मूल अधिकारों को शामिल किया गया। संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित उपबंधों की समाविष्टि करने का उद्देश्य एक विधि शासित सरकार की स्थापना करना, जिसमें अल्पसंख्यकों का शोषण न हो, अर्थात डायसी के विधि शासन रूल ऑफ लॉ की स्थापना करना। भारत संविधान के मूल रूप से भाग 3 में 7 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया था, किंतु वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12। राज्य के निम्नलिखित शामिल हैं। राज्य में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, भारत सरकार और भारत का संसद। दूसरा, राज्य सरकार और विधानमंडल। तीसरा, सभी स्थानीय निकाय, नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड आदि। चौथा, अन्य प्राधिकारी, जिसका तात्पर्य है वे प्राधिकारी जो शासकीय या संप्रभु शक्ति अर्थात सोवर्जन पावर का प्रयोग करते हैं, जैसे वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण, LIC, ONGC, सेल आदि। इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब वह मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो। मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियां अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कहलाती हैं। अनुच्छेद 13 के उपखंड 2 में राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में हस्तक्षेप करती है कि इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का आधार स्तंभ तथा न्यायालयों को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों की रक्षा करे। न्यायिक पुनर्विलोकन। यह शक्ति न्यायालयों को अनुच्छेद 13 द्वारा प्राप्त की गई थी, जो केवल अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के द्वारा क्रमशः उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई है। विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के सम्मिलित रूप को सरकार कहते हैं। सरकार के अंतर्गत शक्तियां होती है। राज्य की एक शक्ति दूसरी शक्ति में हस्तक्षेप न करे, इसलिए इन शक्तियों का पृथक्करण आवश्यक है। फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के सभी अंगों की अनियंत्रित शक्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत अर्थात सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रतिपादन किया था। न्यायिक पुनर्विलोकन की धारणा सीमित शक्ति वाली सरकार के सिद्धांत से हुआ, जिसमें दो विधियां हैं। पहला साधारण विधि, दूसरा सर्वोच्च विधि अर्थात संविधान। न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को सर्वप्रथम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादन किया था। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 द्वारा प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए
राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है 226 के अंतर्गत। आच्छादन का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्राइन ऑफ इलिप्स यह संविधान के अनुच्छेद 13 के उपखंड एक पर आधारित है, जिसमें जिसके अनुसार संविधान पूर्व विधेय संविधान के लागू होने पर उस समय तक उस मात्रा तक मान्य नहीं होगी जहाँ तक वे मूल अधिकारों से असंगत हैं। ऐसे कानून समाप्त नहीं होते हैं बल्कि आच्छादन हटाने से पुनः सजीव हो जाते हैं। अधित्याग का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर इस सिद्धांत के अनुसार संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को कोई व्यक्ति स्वेच्छा से त्याग नहीं सकता है। मूल अधिकार केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि लोकनीति के आधार पर सर्वसाधारण के लिए होते हैं। अनुच्छेद 14 इस अधिकारों को वर्जित करता है। संविधान के 24वें संविधान संशोधन 1971 के अनुसार अनुच्छेद 13 का 2 में किए गए संशोधन में कोई भी विधि अनुच्छेद 13 2 में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित नहीं है। 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय आया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता है, अतः संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। 24वें संविधान संशोधन 1971 24वें संविधान संशोधन 1971 में व्यवस्था की गई थी कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। दूसरा, संसद द्वारा किया गया संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति सभी संवैधानिक संशोधन पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। 12वें संविधान संशोधन 1972 द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यवस्था दी गई है। पहला, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन की किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दूसरा, संसद को संविधान संशोधन शक्ति पर कोई परिसीमा नहीं है। संसद संविधान संशोधन के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ मामले में मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। पहला, समता का अधिकार रिजिट ऑफ इक्वेलिटी अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार रिजिट ऑफ फ्रीडम अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अर्थात रिजिट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशंस अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार रिजिट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल्स रेमेडाइज अनुच्छेद 32 में कहा गया है। समता का अधिकार राइट्स ऑफ इक्वलिटी संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस अनुच्छेद में दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला, विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। यह अधिकार नागरिक तथा गैर नागरिक दोनों को प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद में दो प्रकार के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। पहला, कानून के समक्ष समानता अर्थात राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उस कानून को सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू किया जाएगा। दूसरा, कानून का समान संरक्षण अर्थात समान परिस्थितियों में पाए जाने वाले व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। दूसरा है धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इस अधिकार में नागरिकों के अतिरिक्त तथा इसके अतिरिक्त इस अधिकार के तहत भाषा या निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है। अन्य व्यक्तियों के संबंध में विभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 के अधीन विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसे 368 अनुच्छेद के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद में प्रयुक्त व्यक्ति से तात्पर्य है भारत के भू क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वे भारतीय हो या विदेशी। विधि के समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। यह मूल अधिकार नहीं किंतु एक संवैधानिक लक्ष्य है जो अनुच्छेद 14 के अनुसार किन्हीं दो व्यक्ति, पुरुष या महिला के बीच बिना किसी आधार के विभेद नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो वह अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करता है।
अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार का उपयुक्त उदाहरण है। अनुच्छेद 15 के अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। यहाँ विभेद शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ दूसरे की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना। अनुच्छेद 15(1) में केवल शब्द का प्रयोग है जिसका तात्पर्य है कि विभेद जन्म स्थान, धर्म, वंश, जाति, लिंग के अलावा किसी अन्य आधार पर हो तो वह मूल अधिकार के अनुच्छेद को प्रभावित नहीं करेगा। राज्य निवास और भाषा के आधार पर विभेद कर सकता है। अनुच्छेद 15(2) के सार्वजनिक स्थान का तात्पर्य है कि वह स्थान जहां राज्य की जनता का आवागमन होता रहता है, जैसे पार्क, स्टेशन, अस्पताल आदि। अनुच्छेद 15(3) और (4) उपखंड राज्यों को स्त्रियों और बच्चों के लिए संरचनात्मक भेदभाव की आज्ञा देता है। यह स्थिति समाज में महिलाओं की लिंग नहीं बल्कि उनकी विशेष स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग (1990) में संसद द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 पारित किया गया, जिसके आधार पर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। संविधान का 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया है कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 19(1)(6) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक को किन्हीं वर्गों के उन्नति के लिए कोई प्रावधान बनाने से नहीं रोकेगी। अनुच्छेद 16 लोक सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार। यह अनुच्छेद केवल प्रारंभिक नियुक्तियों की बात नहीं करता, वरन पदोन्नति, पदच्युति, वेतन, पदोत्तर, अवकाश, पेंशन आदि बातें भी शामिल है। अनुच्छेद 16 के लोक सेवाओं में की अवसर की समानता के अंतर्गत आता है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अपवाद स्वरूप राज्य को संसद द्वारा लोक नियोजन अधिनियम 1957 पारित करके यह शक्ति दी गई थी कि वह आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा संघ में कुछ पद और सेवाओं में अर्हता प्रदान करती है, किंतु 1974 में यह अधिनियम समाप्त हो गया था। लोक नियोजन में शर्त के रूप में निवास का उपबंध नहीं है, किंतु अनुच्छेद 371(घ) में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष उपबंध बनाया गया है। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार देता है। इसे लागू होने के लिए 2 शर्तें हैं। पहला, वर्ग पिछड़ा हो। संविधान में पिछड़ा वर्ग की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है पिछड़े वर्गों के अवधारणा के लिए आयोग की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरा है, अनुच्छेद 16(4) में सामाजिक और शैक्षिक शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है, किंतु पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य सभी पिछड़े वर्ग के नागरिक, जिसमें सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग भी आता है, इसमें वह वर्ग भी सम्मिलित है जो अनुच्छेद 15 के उपखंड 4 में नहीं आते हैं। मंडल आयोग। पहला, मंडल आयोग जनता दल की सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने 1 जनवरी 1979 में पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने के लिए श्री बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की। दिसंबर 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। हिंदू समाज में पिछड़े वर्ग की पहचान जाति के आधार पर की जाती है। जाति के साथ पारंपरिक जीविका निर्धारणता, निवास स्थान, शिक्षा का अभाव शामिल है। अनुच्छेद 16(4) में सामाजिक पिछड़ेपन की बात की गई है। किसी जाति को आरक्षण पाने का अधिकार तभी होगा जब राज्य सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो। आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पदों का आरक्षण नियुक्ति के आरंभिक स्थिति तक होना चाहिए, किंतु 77वें संविधान संशोधन में यह शर्त समाप्त कर दिया गया। पिछड़े वर्गों का समय समय पर पुनर्विलोकन होना आवश्यक है। 1991 में नरसिंह राव सरकार में 2 परिवर्तन किए गए। पहला, आरक्षण का आधार आर्थिक माना। दूसरा, निम्न आय वर्ग के लोगों को 10% का अतिरिक्त आरक्षण दिया गया। रामनंदन समिति अन्य पिछड़े वर्गों में विशिष्ट वर्गों की पहचान के लिए इस समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत की थी।
राष्ट्रीय आयोग का गठन संसद ने संसद के अधिनियम द्वारा आरक्षण के लिए 1993 में राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। सतहत्तरवा संविधान संशोधन। इस संशोधन का उद्देश्य था कि मंडल आयोग के मामले में दिए गए निर्णय को समाप्त करना तथा इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 में उपखंड 4 का जोड़ा गया है। 81वां संविधान संशोधन 2000। 81 जो संशोधन हुआ था वो 2000 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 के खंड 4 का के पश्चात एक नया खंड 4 का जोड़ा गया, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियां में 50% की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। 85 संविधान संशोधन 2001। सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति, किसी भी वर्ग की प्रोन्नति के मामले में के स्थान पर शब्दावली, परिणाम स्वरूप वरिष्ठता को जून 1995 में से प्रभावी 17वां संशोधन से मारने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 16 में एक तीसरा अपवाद यह है कि अनुच्छेद 16 के उपखंड 1 और 2 में प्रावधान है कि लोक पदों में धर्म के आधार पर असमानता करना वर्जित है, किंतु इस अनुच्छेद के उपखंड 5 में प्रावधान किया गया है कि राज्य अपनी भाषा, शैक्षणिक अर्हता, शारीरिक स्वास्थ्य और तथा साक्षरता के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेद कर सकता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अर्थात एवोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी। इस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप से आचरण निषिद्ध किया जाता है। संसद ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया था, जिसमें 1976 में संशोधन करके इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। अस्पृश्यता शब्द के अर्थ की व्याख्या न तो संविधान में है और न ही न्यायालय में की है, किंतु यह माना जा सकता है कि जैसे जन्म, रोग, मृत्यु एवं अन्य कारण हो सकते हैं, वह सामाजिक बुराई है जो जाति प्रथा पर आधारित है। यह अधिकार प्राइवेट व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है कि राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह इन अधिकारों के उल्लंघन रोकने के लिए रोक लगाकर दंडित करे। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। अनुच्छेद 18 राज्य के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सैन्य और शैक्षणिक उपाधि को छोड़कर कोई उपाधि नहीं धारण करेगा। राज्य को सामाजिक सेवा के लिए कोई सम्मान या पुरस्कार देने से रोक नहीं लगाया गया है, बल्कि यह सम्मान या पुरस्कार वह अपने नाम के साथ नहीं प्रयोग करेगा। अनुच्छेद के 4 उपखंड में प्रावधान किया गया है कि राज्य के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति किसी अन्य देश से भत्ता, उपहार, सुविधाएं तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी न हो। 1954 में 2 अधिसूचनाओं द्वारा भारत सरकार के प्रकार के अलंकरण प्रारंभ किया दिया था। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण एवं चौथा पद्मश्री। इनका बता दें क्रम भी इसमें इसी प्रकार है कि सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो भारत रत्न होता है, दूसरा पद्म विभूषण होता है, तीसरा पद्म भूषण होता है और चौथा पद्मश्री होता है। किंतु जनता पार्टी सरकार ने 1977 में इस उपाधियों का अंत कर दिया, लेकिन जनता पार्टी की सरकार के समाप्त होने के पश्चात 1980 में पुनः आरंभ किया गया। 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि अलंकरण सामंतवादी उपाधियां नहीं हैं। अनुच्छेद 18 के उल्लंघन होने पर किसी दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात रिजिट ऑफ फ्रीडम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1922 तक में नागरिकों को दैहिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत 7 मूल अधिकारों का प्रावधान था, किंतु 54वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, अर्थात अनुच्छेद 19(1) के उपखंड च का लोप कर दिया गया। अनुच्छेद 300 का संविधान के भाग 12 में 1978 में एक नया अध्याय संपत्ति का अधिकार नाम से जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। वाक स्वतंत्रता आदि विषयक अधिकार। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के 6 अधिकार हैं।
वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका तात्पर्य है भारत के सभी नागरिकों को अपने विचार शब्द लेख पत्र मुद्रण चिन्ह या अन्य किसी भी प्रकार से वह अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारत भाषण और विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है, हालांकि अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत विज्ञापन और सिनेमा को नहीं माना जाता है। भारत में प्रथम प्रेस आयोग 1954 के सुझावों के आधार पर 1956 में प्रेस परिषद अधिनियम पारित किया गया है। यह परिषद सरकार की ओर तथा विरोध दोनों तरफ से सामाजिक पत्रों की शिकायतों सुनता है। सूचना का अधिकार अधिनियम सर्वप्रथम 5 दिसंबर 2002 को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, किंतु 2005 में इस अधिनियम को निरस्त कर इसकी जगह 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ। सूचना अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों का लोक प्राधिकारियों के पास सरकारी कामकाज से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने का प्राधिकार देता है। इसी अधिनियम के दायरे में केंद्र, राज्य सरकारें, स्थानीय और कार्यपालिका के साथ न्यायपालिका व विधायिका भी आती हैं। इसके अलावा सरकार के स्वामित्व व नियंत्रण वाली प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से वित्तीय मदद वाले निकाय, गैर सरकारी संस्थाएं तथा सरकारी वित्तीय सहायता वाली निजी संस्थाएं शामिल हैं। कानून के तहत अधिकारों को 30 दिन के अंदर लोगों को सूचना उपलब्ध कराना होगा। जीवन से जुड़ी सूचना 48 घंटों के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ऐसा न होने पर अधिकारी के खिलाफ दंड का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों को मूल अधिकार में शामिल है। 22 जनवरी 2004 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के मामले में निर्णय दिया कि देश के सभी नागरिकों द्वारा अपने घर, दफ्तर आदि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनुच्छेद 19(1) के तहत मूल अधिकार है, किंतु अनुच्छेद 19 के उपखंड 2 के तहत यह अधिकार अत्यंतिक अर्थात एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। फोन टेप करना मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट है कि फ़ोन टेप करना, जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वह क्या है? अधिकार, मूल अधिकार का उल्लंघन है। इसी संदर्भ में हम आगे देखेंगे। दूसरा है शांतिपूर्ण तथा निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में सभाएं, जुलूस, प्रदर्शन और हड़ताल की जनता के मुख्य हथियार हैं, किंतु अनुच्छेद 19(1) के तहत केवल उन्हीं प्रदर्शनों को संरक्षण प्रदान करता है जो हिंसात्मक तरीके से न किया गया हो, किंतु प्रदर्शन करने से पहले लोक व्यवस्था के हित में सरकार से आज्ञा लेना आवश्यक है। हड़ताल का अधिकार कोई मूल अधिकार नहीं है। भारत की प्रभुता और अखंडता तथा लोक व्यवस्था के हित में युक्तियुक्त प्रबंध लगाए जा सकते हैं। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, सभी नागरिकों को संगठन या समिति बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु यदि यह संगठन लोक व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करता है तो इस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस अधिकार के अंतर्गत सैनिकों और वेश्याओं को संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण इस स्वतंत्रता के दो भाग है, पहला देश के अंदर, दूसरा देश के बाहर भ्रमण करने की अधिकार, किंतु अनुच्छेद 19(1) केवल देश के अंदर भ्रमण का अधिकार देता है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, यह अधिकार देश के अंदर कहीं भी जाने, अस्थायी रूप से रहने और किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार देता है, किंतु राज्य आम लोगों के हितों में तथा अनुसूचित जनजातियों, संस्कृति, रिवाजों के हितों की रक्षा के लिए बाहरी लोगों को उनके क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित करता है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की अधिकार, यह अधिकार बहुत विस्तृत है क्योंकि यह नागरिकों को जीवन चलाने के लिए अधिकार देता है, किंतु राज्य को साधारण हितों की रक्षा के लिए प्रतिबंधित करने या इसकी स्वतंत्रता से संबंधित आवश्यक योग्यता निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करती है। फुटपाथों पर व्यापार करना मूल अधिकार है। नगरपालिका की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर ऋषिकेश, हरिद्वार व मुनि को सीमा के अंडों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 19(2) में निम्न आधारों पर प्रावधान है जिस आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंध
निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। पहला, राज्य की सुरक्षा, जिसमें आंतरिक विद्रोह, राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, बगावत आदि के राज्य की सुरक्षा का खतरा होने पर। दूसरा, विदेश राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हितों में। लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, यह एक ऐसी स्थिति में जिसमें आम जनता पर प्रभाव पड़ता है। लोक व्यवस्था को 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा प्रतिबंध लगाने के आधार पर शामिल किया गया है, लेकिन इसमें साधारण उल्लंघन शामिल नहीं है। शिष्टाचार और सदाचार, डिसेंसी और मोरलिटी, इसलिए सम्मिलित किया गया है ताकि समाज को अश्लील, भ्रष्ट तथा अनैतिक विचारों से समाज को बचाया जा सके। न्यायालय की अवमानना, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, संविधान के अनुच्छेद 129 तथा 215 क्रमशः उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को उनकी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। मानहानि, कोई भी कथन या प्रकाशन जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाता है, किसी व्यक्ति की समाज में घृणा, मजाक, अपमान का पात्र बनाता है, अनुच्छेद 19(2) के तहत उस पर राज्य प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अपराध के लिए प्रोत्साहित करना, अर्थात इंसिटमेंट टू एन ऑफेंस, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा यह अधिनियम 1951 में जोड़ा गया था। भारत की संप्रभुता और अखंडता, संविधान के 16 संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ऐसे व्यक्ति जिन पर अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, अनुच्छेद 20 ऐसे दोषी व्यक्ति की सुरक्षा की व्यवस्था करता है। पहला, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए विधि के अंतर्गत विहित अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। तीसरा, आत्म अभिशंसन, सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात किसी भी व्यक्ति को जिस पर कोई अपराध लगाया गया है, उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि वह स्वयं साक्ष्य के लिए अपनी इच्छा से तैयार हो तो इसका उल्लंघन नहीं है। किसी अपराध के लिए अभियुक्त के परिसर की तलाशी के वारंट के तहत तलाशी लेना उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। यह अनुच्छेद विधायिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत निम्न अधिकारों को माना है। जीवन संरक्षण का अधिकार, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण रहित पानी और हवा का जीने का अधिकार, एकांतता का अधिकार अर्थात राइट ऑफ प्राइवेसी, निःशुल्क कानूनी सहायक का अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, उचित स्वास्थ्य और इलाज का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, 14 साल की कम उम्र से निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, अपील करने का कानूनी अधिकार, वयस्क बालक एवं बालिका को स्वेच्छा से अंतरजातीय विवाह का अधिकार, गर्भधारण के पूर्व लिंग का चुनाव, महिला के जीवन के अधिकार का उल्लंघन, सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का निषेध, महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण। नोट, अनुच्छेद 21 में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। जीवन जीने का अधिकार, जिसमें गरिमामय जीवन भी आता है, का तात्पर्य ऐसे अधिकार से है जो प्राकृतिक जीवन के अंत तक अर्थात गरिमापूर्ण प्राकृतिक मृत्यु शामिल है। भारतीय दंड संहिता 309 के तहत आत्महत्या का प्रयास करना असंवैधानिक, अवैध और दंडनीय अपराध है, किंतु अब हटा दिया गया है। 86 व संविधान संशोधन 2002, इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 में क जोड़ा गया, जिस आधार पर यह उपबंधित करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगी। अनुच्छेद 22, बंदीकरण एवं निरोध के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार और निरोध के अनुच्छेद 22 द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 1 एवं 2 सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तारियों की, तथा खंड 3, 4, 5, 6 निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारी है। गिरफ्तार व्यक्ति का संरक्षण, पहला, गिरफ्तारी के कारण शीघ्र जानने का अधिकार, दूसरा, अपनी पसंद के अधिवक्ता से बचाव तथा विचार विमर्श का अधिकार, तीसरा, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर किसी निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। नोट, उक्त खंड के अधीन प्राप्त अधिकार शत्रु देश के व्यक्तियों और निवारक अधिनियम के तहत गिरफ्तार व्यक्ति पर लागू नहीं है, किंतु
शत्रु देश के व्यक्ति खंड 4 और 5 के अधीन संरक्षण का दावा कर सकता है, किंतु उक्त अधिकार संसद द्वारा विधि के अधीन होंगे। निवारक निरोध अधिनियम अनुच्छेद 22 के तहत प्राप्त अधिनियम खंड 3 से 7 तक में प्रावधान किया गया है, किंतु निवारक निरोध अधिनियम को परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु इनका उद्देश्य है कि किसी अपराध को किए जाने से रोका जाए और अपराध की करने वाले संभावित व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब तक संसद द्वारा निम्न अधिनियम पारित किए गए हैं। पहला, निवारक निरोध अधिनियम 1950 अर्थात प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। यह अधिनियम 31 दिसंबर 1969 तक अस्तित्व में था। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा। यह अधिनियम अप्रैल 1979 में समाप्त हो गया। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अर्थात NSA। चौथा, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम 1974 COFEPOSA अर्थात कोफेपोसा। आर्थिक क्षेत्र में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दर्जा प्राप्त है। पांचवा, आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियों अधिनियम टाडा TADA अधिनियम 1985 टेररिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसमें इतने कठोर प्रावधान वाले इस कानून को समाप्त करने की घोषणा की थी। यह अधिनियम 23 मई 1995 को समाप्त कर दिया गया। टाडा अर्थात टेररिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट एक्टिविटीज प्रिवेंशन के स्थान पर 2 अप्रैल 2002 को एक नया आतंकवाद निरोध अधिनियम लागू किया गया। 21 सितंबर 2004 को जारी अध्यादेश के जरिए इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। आतंकवादी निरोध अधिनियम अर्थात प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा POTA 2002 इसे 2004 में कांग्रेस की सलाह का सरकार द्वारा हटाया गया। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार अर्थात रिजिट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। अनुच्छेद 23 में मानव के क्रय विक्रय बेगार और बलात्श्रम को प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार का संरक्षण नागरिकों और गैर नागरिकों को दोनों प्रकार का प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 प्रत्येक सरकार के बालश्रम अर्थात फोर्स्ड लेबर को प्रतिबंधित करता है। यदि किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध या दबाव से कार्य करना पड़ता है भले ही उसे उसके बदले पारिश्रमिक मिला हो बलात्श्रम माना जाएगा। राज्य द्वारा इसके लिए संसद अधिनियम द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया गया है। इस अनुच्छेद 23 का अपवाद है कि राज्यों को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवाएं लागू करने के लिए शक्ति प्रदान करता है जैसे सैनिक सेवा और सामाजिक सेवाएं न तो बेगार है न ही मानव व्यापार। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। इसका तात्पर्य है कि राज्य किसी फैक्ट्री खान एवं सामान निर्माण कार्य या रेलवे में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगा देता है। इसके लिए बालश्रम प्रतिबंधित एवं नियमितीकरण अधिनियम 1986 पारित किया गया है। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बालश्रम पुनर्वास कल्याण फंड की स्थापना की। बाल अधिकार संरक्षण आयोग संसद की अधिसूचना के आधार पर 23 फरवरी 2007 को लागू किया गया। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात रिजिट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उपबंध देती है। अनुच्छेद 25(1) के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त अधिकार तथा किसी भी धर्म को मानने आचरण करने और प्रचार करने की समान हक होगा। यहाँ अंतःकरण का तात्पर्य आत्यंतिक अर्थात एब्सोल्यूट आंतरिक स्वतंत्रता से है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार ईश्वर के साथ संबंधों को स्थापित करता है। वर्तमान समय में किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर करना अपराध है। अनुच्छेद 26 व्यक्तियों को लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके लिए किसी अनुभाग को पहला अपने धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण दूसरा धर्म विषयक कार्यों पर प्रबंध करना तीसरा धार्मिक संप्रदाय का संपत्ति के अर्जन और प्रशासन का अधिकार चौथा अर्जित संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करना।
अनुच्छेद 26 4 के प्रावधान में विधायिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 27 के अनुसार यह उपबंध है कि किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कोई विशिष्ट कर न देने की स्वतंत्रता है। इस अनुच्छेद में कर से तात्पर्य एक अनिवार्य धन की वसूली करना है जो उनके लाभ के लिए होता है, जबकि शुल्क सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने का निषेध करता है। यह अनुच्छेद में चार प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं का उल्लेख करता है। पहला, ऐसी शिक्षण संस्था जिसे राज्य पूरी तरह से पोषित करे। दूसरा, ऐसी संस्था जिसे राज्य ने मान्यता प्रदान की हो। तीसरा, ऐसी शिक्षण संस्था जिसे राज्य निधि से सहायता प्राप्त होती हो। चौथा, राज्य द्वारा प्रकाशित किंतु किसी धर्म या न्याय से अधीन संस्थाएं। यह संस्थाओं के बारे में बताया गया है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एनजीओ होता है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हम कहते हैं सरकारी और गैर सरकारी। तो अगर गैर सरकारी भी है, लेकिन अगर कोई सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त है तो वो गैर सरकारी के अंतर्गत नहीं आएगा, वही इसके बारे में बताया गया है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 29 एक भारत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिसकी अपनी भाषा लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। इसी अनुच्छेद 29 2 के अनुसार राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 30 यह उपबंधित करता है कि भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार होगा। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है, किंतु यह अधिकार नियामक शक्ति के अधीन है। इस प्रकार समाज कल्याण, औद्योगिक संबंधों, शैक्षिक स्तरों, कार्यकुशलता, अनुशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोक व्यवस्था और सदाचार के हितों में बनाई गई विधि अनुच्छेद 30 का उल्लंघन तब तक नहीं करती जब तक अल्पसंख्यकों को संस्था का प्रबंध करने कि उनके अधिकार को वंचित नहीं किया जाता है, नहीं करती है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 समाप्त कर दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संविधान में जहाँ मूल अधिकारों की व्याख्या की गई है, वहीं मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए समुचित कार्यवाही देश के उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों को प्रवर्तित कराने की गारंटी देता है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय का समुचित निर्देश रीट, जिसके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पिछा, उत्प्रेक्षण और समान प्रकार के रीट जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को नागरिक के मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है। अनुच्छेद 32 के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसे अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की मूल आत्मा तथा मर्म बताया है। लोकहितवाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। लोकहितवाद का उद्देश्य समाज के किसी वर्ग अधिकारों या अन्य अधिकारों अनुच्छेद 32 के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक संविधान की आधारभूत ढांचा है। इसे अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की मूल आत्मा तथा मर्म बताया है। लोकहितवाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। लोकहितवाद के उद्देश्य समाज को किसी वर्ग अधिकारों या अन्य अधिकारों या प्रमुख रूप से निर्बल एवं निर्धन व्यक्तियों के मूल अधिकारों का, जो अनुच्छेद 21 के अधीन प्रदत्त है, के मूल अधिकारों या अन्य अधिकारों का संरक्षण करता है। भारत में इसके प्रयोग की शुरुआत 1970 के उत्तरार्ध में हुई तथा बाद में प्रारंभ करने का श्रेय न्यायमूर्ति पीएन भागवती और न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर को रहा है। जनहित के मामले में समाज का कोई भी व्यक्ति या कोई भी पंजीकृत सोसाइटी, गैर राजनीतिक स्वैच्छिक संघ अनुच्छेद 32 के अधीन उपचार के लिए न्यायालय में आवेदन दे सकता है। न्यायिक सक्रियता अर्थात जुडिशियल एक्टिविज्म। यदि कार्यपालिका विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों को लागू नहीं करती है और उनकी उपेक्षा करती है तो नागरिक के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान न्यायपालिका के हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। न्यायालय जनहित के मामले में सरकार और प्राधिकारियों के संविधान और अन्य कानून के तहत कर्तव्य पालन के लिए विवश करता है। उच्चतम न्यायालय की इस कार्यवाही को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है।
अनुच्छेद 137 के आधार पर उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन अपने अंतिम निर्णय को या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन अर्थात रिव्यू या उपचारात्मक याचिका अर्थात करेटिव पेशेंस के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। यदि किसी मामले पर अनुच्छेद 32 के अधीन निर्णय दिया जा चुका है तो उसी मामले के अनुच्छेद 226 के अधीन नहीं उठाया जा सकता है, किंतु पूर्व न्याय का सिद्धांत अर्थात री जूडिस जूडिकाटा बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के मामले में लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हमारा उच्च न्यायालय को उपयुक्त प्रकार की रीटों को जारी करने का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय की यह शक्ति उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा विस्तृत है। मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में पिटीशनर दोनों न्यायालय में से किसी भी न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन या निलंबन। संविधान में केवल एक परिस्थिति का उल्लेख किया गया है जब इस अनुच्छेद का निलंबन किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा की गई हो तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भाग 3 में दिए गए प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए किसी न्यायालय के प्रचालन अधिकार को जब तक उद्घोषणा लागू रहती है निलंबित करने की घोषणा कर सकती है। जब देश में अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपात बाह्य आक्रमण या युद्ध से देश में अनुच्छेद 32 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन या निलंबन। संविधान के केवल एक परिस्थिति का उल्लेख किया गया है जब इस अनुच्छेद का निलंबन किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा की गई हो तो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भाग 3 में दिए गए प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए किसी न्यायालय के प्रचालन अधिकार को जब तक उद्घोषणा लागू रहती है निलंबित करने की घोषणा कर सकती है। जब देश में अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपात बाह्य आक्रमण या युद्ध से देश में लागू किया गया हो तो अनुच्छेद 19 के अधीन मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है। 24वां संविधान संशोधन 1978 के आधार पर अनुच्छेद 359 के तहत दो परिवर्तन किए गए हैं। पहला, आपात उद्घोषण के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के अधीन अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के अधिकार को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जाने की अधिकार को निलंबित करने का शक्ति न होगी। अनुच्छेद 33 के तहत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं है। संसद अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके सशस्त्र बलों के सदस्यों, सुरक्षा बल के सदस्यों, अर्धसैनिक पुलिस एवं खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाती है। इस आधार पर संसद द्वारा सैन्य अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिनियम 1966, वायु एवं जल सेवा अधिनियम 1950 बनाए गए हैं। मार्शल लॉ अनुच्छेद 34 के आधार पर भारत में कहीं भी युद्ध, अशांति, दंगे या कानून का उल्लंघन होने पर मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। इसमें शाब्दिक अर्थ सैन्य शासन है। यह सैन्य शासन सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, देश के कुछ विशेष क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। यह सरकार एवं साधारण कानून न्यायालयों को निलंबित करता है। अनुच्छेद 34 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि अर्थात इंडिमिनिटी एक्ट को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार को जो मूल अधिकार या निरस्त कर दिया गया है और विधिक अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार से हमारा 8वां लेसन भी समाप्त होता है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा यार, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। और अगर वीडियो अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड या फिर और किसी वीडियो से रिलेटेड सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर कोशिश करूँगा कि ज़रूर से ज़रूर प्रतिक्रिया मैं दूँ। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।